बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए कोर्ट की ओर से एक खुशखबरी आने की खबर है, लेकिन इस बीच अररिया में हड़ताल पर गए शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। देखिए रिपोर्ट। मैट्रिक परीक्षा के समय पूरे बिहार में नियोजित शिक्षक हड़ताल पर चले गए हैं। शिक्षकों की मांग है कि उन्हें समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, साथ ही उनका भी ईपीएफ कटे। इस हड़ताल का अररिया में व्यापक असर देखा गया। शिक्षक स्कूलों में ताला बंद कर सड़क पर उतर आए। हड़ताल से पूरे राज्य में शिक्षा व्यवस्था चरमरा सी गई है। शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनका हड़ताल जारी रहेगा। ये सरकार को सोचना चाहिए कि हमारा जो शिक्षक रात दिन मेहनत करता है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, और सरकार हमारे साथ जो है नाइंसाफी कर रही है। 3 महीने में बोला था कि हम आपको सेवा सर दे देंगे, लेकिन 5 वर्ष गुजर गए। सोचने वाली बात है, भारत का संविधान भी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना था, लेकिन इनकी नियमावली 5 साल में भी नहीं बनी। ये बड़ी हैरत की बात है। हम तब तक हड़ताल में रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है, और हम डटे रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये इंकलाब जिंदाबाद। पूरे जिला में लगभग स्कूल हड़ताल पर चले गया है, और धीरे धीरे और बढ़ेगा संख्या। और हम लोगों का बस एक ही मांग है, समान काम समान वेतन हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग 14 साल सेवा में दे दिए हैं और अभी तक हम लोग का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। न समय पर वेतन मिलता है और इतना कम वेतन मिलता है कि उससे हमारे परिवार का भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला गया है। ये सरकार हमेशा हम लोगों को लटकाते रही है कि वेतन मान देंगे, बेहतर देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया, और इस कारण हम लोग को मजबूरन हड़ताल पर जाना। एक तरफ शिक्षकों की मांग है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों का भविष्य। इस पर सरकार और शिक्षकों को मिल बैठ कर मसले का हल करना चाहिए। ओंकार आवामी के लिए अररिया से सुमन ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार में 10वीं बोर्ड की परीक्षा चल रही है, ऐसे में मोतिहारी में कुछ परीक्षार्थी जब परीक्षा केंद्र पर थोड़ी देर से पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। ऐसे में पूरा साल बर्बाद होने की संभावना देखते हुए छात्र छात्राएं वहां रोने लगे। देखिए रिपोर्ट। बिहार में मैट्रिक की परीक्षाएं चल रही है, कई जगहों पर अप्रिय घटनाएं भी देखी जा रही है। दरअसल मोतिहारी के तिरहुत उच्च माध्यमिक विद्यालय में देर से पहुंचने पर परीक्षार्थियों को अंदर नहीं जाने दिया गया, इससे परीक्षार्थी निराश होकर रोने लगे। परीक्षार्थियों ने स्कूल प्रबंधन से बहुत गुहार लगाई, लेकिन 2 मिनट देर से पहुंचने पर भी किसी को परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया गया। आपको बता दें कि पूरे बिहार में 15 लाख से ज्यादा बोर्ड की परीक्षा परीक्षार्थी दे रहे हैं। ओंकार आवामी के लिए मोतिहारी से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट।